कहावत है, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, अंदर डालो जी जाएगी। कुछ ऐसी ही महिलाएं मछली की तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। घंटों घंटों पानी आने के इंतजार में बाल्टी लेकर खड़ी रहती हैं। पानी लेने की होड़ और तब शुरू होती है लड़ाई। सरकारी समर्सिबल लगने के बावजूद पानी के लिए देने होते हैं 200 से 700 रुपए तक। बोहली गांव में एससी समाज के लिए लगभग 125 परिवार हैं। इन सभी परिवारों की महिलाओं का आरोप है कि छोटी जाति से हैं इसलिए पानी नहीं मिलता, पानी के नाम से करते हैं भेदभाव। महिलाओं का आरोप गांव के लोग पानी मांगने पर करते हैं अपशब्दों का प्रयोग। बोर लगा हुआ है इस गांव के अंदर 900 बोर, गिनती में 500 इसमें लगा, इस एरिया में लगा हुआ है। आप पेंड घर का करना है, घर को जगह क्यों? 500 बोर लगा हुआ है, 500 बोर। फिर ये पैसे 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 क्यों लेते हो? कौन पैसे ले रहे हैं? ये कह रहे हैं बात कराओ, किसने लिए पैसे? तो मुंह ने छोड़ किसने लिए? नाम का उसका सारे का पर्चा देंगे, उसका हम पर्चा देंगे जो पैसे ले रहे हैं। क्या क्या नाम? पानी पीना दुखी हो रहा है, खाने पीना जी 500 रुपये महीना दे, फिर बिनू का मुंह पी लो मारा। कौन कवे? वही कवे जिस पता हम पानी भर। पानी सरकारी पानी है या प्राइवेट पानी है? कोई नहीं भरन देंदा मारता पानी, कोई नहीं भरन देंदा जी। पानी पीछे भी दे रहे फिर भी मुंह तो मार। कितने पैसे देते हो? 500 रुपये दे रहे जी, बहुत लाग रहे जी। फिर भरन तो कौन देंदे जी, धक्के खाते फिर रहे हम पानी बिना। सर ऐसा था हमारे टाइम में सरपंच था मैं 1995 में, 2000 तक रहा, वह टूंटी लगी हुई थी घर घर, हर घर में पॉइंट था, लेकिन वो टूंटी बंद कर दिया। जब कि उसका जनरेटर भी पड़ा हमारे टूंटी में, उनको चालू नहीं है, पदना जनरेटर भी है नहीं है। तो वो चालू हो जाए तो मतलब जिन लोगों के पास बोर नहीं है उन गिरफों की समस्या हो जाए, हर घर में टूंटी पॉइंट लग जाए तो बस मिली है। ये टूटी बंद क्यों कर दी? पता नहीं, ये तो पंचायत जाने पंचायत नहीं पंचायत आते, हमारे टाइम में चालू थी, हम बल्कि उसको चालू रखते थे, डीजल का डीजल मतलब डालते थे भी जनरेटर खराब ना हो, मैं चालू रखता था उसको। लेकिन वो मेरे ख्याल से 10 साल से चलाया नहीं है किसी ने। ये जो बोर जो लगाए हैं ये पंचायत द्वारा लगाए गए हैं, ये तो राजनीति है, जिसने वोट दिया उसको बोर लगा दिया। लेकिन पता क्या हुआ बाद में, इस गांव जो है उज्जवला योजना में आ गया, अब जो है लोगों में मीटर लगे, अब ट्यूबवेल जो है मीटर में चले गए, अब तो लोग कहते हैं पैसे लगते हैं इसमें, तो इसलिए पैसे लेते हैं वो मंथली लेते हैं 200-300-400 जिसका जितना, तो लोग जो है जरूरत के मुताबिक देते हैं और अपना जो है टाइम निकालते हैं। और क्या करते भाई, यही है भाई, ये टूंटी अगर चालू हो जाए तो इन गरीब लोगों का चेहरा बचाव होगा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੈਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? 300 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ 300 ਰੁਪਇਆ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਵਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਥੋਲੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਕਿਤਨੇ ਗਾ ਜੀ? 350 ਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਣੀ? 350 ਮਾ 350 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, बोर तो सारे सरकारी हैं। कितने बोर लगाए अभी? इनका 1000-1200 बोर लग रहे। अच्छा, यहाँ कितने घरों को पानी नहीं मिलता? नीरे इधर नीरे का राजीव का बोर नहीं है, और किसी का तो भी लग रहे, और कोई नहीं पानी देने देगा, बाल्टी लेकर जाकर उसका बाग का उसका बाग। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसी ही खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।